हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। पंचांग के अनुसार हर महीने में कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन अमावस्या और शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन पूर्णिमा पड़ती है। इस प्रकार मंगलवार 1 फरवरी को माघ अमावस्या है। अमावस्या दिन के अनुसार निर्धारित होती है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या और शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या को शनि अमावस्या कहते हैं। वहीं माघ अमावस्या को मोनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन पवित्र नदियों और सरोवरों में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसके बाद पूजा, जप, तप और दान करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन प्रवाहित जलधारा में तिलांजलि करना पुण्य कार्य होता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा समेत कई अन्य नदियों में मौनी अमावस्या के दिन आस्था की डुबकी लगाते हैं। आइए मौनी अमावस्या की पूजा तिथि और विधि जानते हैं। मौनी अमावस्या की पूजा तिथि। मौनी अमावस्या दिन मंगलवार 1 फरवरी को है। माघ अमावस्या तिथि 31 जनवरी को दोपहर में 2:20 से शुरू होकर 1 फरवरी को दिन में 11:18 पर समाप्त होगी। ऐसे में 1 फरवरी को सुबह में स्नान, ध्यान और पूजा कर ले। हालांकि जो घड़िया मुहूर्त में भी पूजा पाठ कर सकते हैं। शास्त्रों में दोपहर 2 तक अमावस्या पूजा का विधान है। अमावस्या की पूजा विधि। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें। इसके बाद गंगा जल युक्त पानी में स्नान ध्यान करें। अगर संभव है तो समीप के नदी में स्नान ध्यान कर सकते हैं। नदी या सरोवर में ही अंजलि से सूर्य देव को जल का अर्घ दें। इसके पश्चात जलधारा में तिल प्रवाहित करें। साधक तिलांजलि भी कर सकते हैं। अब भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा फल, फूल, धूप, दीप, अगरबत्ती आदि चीजों से करें। इस दिन पितरों की भी पूजा करने का विधान है। इससे पितृ प्रसन्न होकर व्यक्ति को सुख और समृद्धि प्राप्ति का वरदान देते हैं। वो लोग जिनके पूर्वजों का पिंड दान नहीं हुआ है, वे इस दिन अपने पितरों को तर्पण करते हैं। पूजा पाठ के बाद गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद भोजन ग्रहण करें। साथ माघ अमावस्या के दिन जथा शक्ति तथा भक्ति के भाव से दान जरूर करें।